मैं ये बात पूरे प्रदेश के बच्चों को इसलिए कह रहा हूं कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। बेटा बेटी देखिए, रोजगार के लिए तीन रास्ते हैं। एक रास्ता सरकारी नौकरियों का रास्ता है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले दिनों लगातार हमने जो प्रयास किए उनमें 45,000 बेटा बेटियों को सीधी भर्ती, संविदा नियुक्ति इत्यादि के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। 1,00,000 के पद भी भरे गए। लगातार ये काम चलेगा। 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में, 5,000 हमने फिर करने का फैसला किया है। शिक्षकों की भर्ती भी दोनों विभाग मिला के हमारे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या आदिम जाति कल्याण विभाग हो, दोनों में मिला के लगभग 25,000 ये हम करने वाले हैं। और बाकी सब विभागों को कहा है जहां जहां जरूरत है पद भरो। तो सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितने बच्चों को रोजगार संभव है, हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार देंगे। कि पिछले दिनों लगातार हमने जो प्रयास किए उनमें 45,000 बेटा बेटियों को सीधी भर्ती, संविदा नियुक्ति इत्यादि के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। 1,00,000 के पद भी भरे गए। लगातार ये काम चलेगा। 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में, 5,000 हमने फिर करने का फैसला किया है। शिक्षकों की भर्ती भी दोनों विभाग मिला के हमारे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या आदिम जाति कल्याण विभाग हो, दोनों में मिला के लगभग 25,000 ये हम करने वाले हैं। और बाकी सब विभागों को कहा है जहां जहां जरूरत है पद भरो। सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितने बच्चों को रोजगार संभव है, हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार देंगे।